तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बरूटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन की एपिसोड नंबर 218 का। इवन इस एपिसोड में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जिसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो बिना टाइम की माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कावाकी को, जो कि ईसीकी के सामने आ चुका होता है। और ईसीकी कावाकी को देखकर एक स्माइल देता है और जल्दी से चला जाता है उसके ऊपर अटैक करने। लेकिन इतने में ही कावाकी जल्दी से एक फायरबॉल जुत्सु ईसीकी के ऊपर कर देता है, लेकिन उसका ईसीकी के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो जाकर कावाकी को पकड़ लेता है। कावाकी को पकड़ने के बाद ईसीकी कावाकी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अब एक स्नोबी हो? कावाकी ईसीकी से कहता है कि लॉर्ड सेवंथ ने मुझे उनका स्टूडेंट बना लिया। ईसीकी कावाकी से कहता है कि तुम कभी भी एक स्नोबी नहीं बन सकते, भले ही तुम कितने भी कोशिश कर लो। तुम इस दुनिया में पैदा हुए थे मेरे वैसल बनने के लिए। कावाकी ईसीकी से कहता है कि जिस दुनिया में मेरे साथ लॉर्ड सेवंथ नहीं होंगे, वो दुनिया मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखेगी और मैं जीने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा। लेकिन इतने में ही ईसीकी उसका गला पकड़ता है और कहता है मुझे इन सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है। और उसके ऊपर ईसीकी अपना कर्माशील दे देता है। नारुतो और सास्के ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और ईसीकी हंसते हंसते कहता है कि अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। और कावाकी कर्मा के अंदर होता है और ईसीकी की बॉडी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। और ईसीकी कहता है अच्छा, अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है लगता है, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं वापस से रिबर्थ ले लूँगा। तभी हम देखते हैं कि कावाकी का कर्मा गायब हो जाता है। ईसीकी ये देखकर कि कावाकी का कर्मा अब गायब हो चुका है, ये देखकर ईसीकी पूरा पागल सा हो जाता है और वो कावाकी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुमने ये क्या करा। पर तभी उसका हार्ट टूट जाता है और ईसीकी मरना स्टार्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि असली कावाकी आ जाता है और कहता है शैडो क्लोन जुत्सु। ईसीकी का ये देखकर दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन तभी कावाकी उसके मुँह पर लात मारकर उसको धूल बना देता है। भाई कावाकी, ये काम तूने बहुत बेस्ट करा। इसके बाद कावाकी जाता है नारुतो के पास और कहता है लॉर्ड सेवंथ आप ठीक तो है? और नारुतो उसको कहता है कि तुमने शैडो क्लोन जुत्सु यूज़ करना सीख लिया? कावाकी कहता है सच कहूँ तो मैं बहुत मेहनत करी और मुझसे बस ये एक ही मना। तभी वहाँ पर सास्के आता है और नारुतो को कहता है कि नारुतो तुम ठीक तो हो? नारुतो कहता है मैं ठीक हूँ दाते भाइयों। सब कुछ कितना हैप्पी हैप्पी हो रहा था नहीं? लेकिन तभी बोरोशिकी आता है और सास्के के रहने गन में अपना कुनाई घुसा देता है। अब यहाँ पर सास्के का रहने गन ख़त्म हो चुका है, अब सास्के डैम रेनेगन की पावर यूज़ नहीं कर सकता। नारुतो बोरुटो को कहता है बोरुटो तुमने क्या करा? तभी हम देखते हैं कि बोरुटो के सर पे एक सींग आया होता है और बोरुटो की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है। कावाकी कहता है ये आवाज़ तो? नारुतो कहता है मोमोशिकी तुम हो ये? मोमोशिकी कहता है कि हाँ, बहुत टाइम बाद मैं एक बॉडी में वापस से रिबर्थ लिया हूँ, ये मेरा सेकेंड टाइम है। और वो ये भी बताता है कि कावाकी तुम अब फ्री हो चुके हो, ईसीकी की सोल अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम अब आज़ाद हो। नारुतो कहता है मोमोशिकी को कि तुम अब क्या करोगे? तुम्हारे पास ईसीकी तो है नहीं चक्र फ्रूट ग्रो करने के लिए, तो तुम अब यहाँ पर क्यों हो? मोमोशिकी नारुतो से कहता है क्या सच में तुम्हें ये ऐसा लगता है? कावाकी पूरा पागल हो चुका होता है और वो मोमोशिकी से कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, उसका क्या मतलब हुआ? इसके बाद कावाकी फायरवॉल जुत्सु कर देता है मोमोशिकी के ऊपर, लेकिन मोमोशिकी इसको आसानी से डॉच कर लेता है और अपनी कुनाई कावाकी के कंधे में घुसा देता है। कावाकी को इससे काफ़ी दर्द होता है, लेकिन तभी सास्के आता है और मोमोशिकी पे एक लात देकर उसे हटा देता है। लेकिन कावाकी उससे पूछता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब था, कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है इससे तुम्हारा क्या मतलब था? मोमोशिकी बताता है कि जैसे कि बोरुटो की बॉडी 80% ओत्सुसीफाइड हो चुकी थी, यानी कि 80% उसकी बॉडी ओत्सुसुकी बन चुकी थी, वैसे ही तुम्हारी बॉडी भी 80% ओत्सुसुकी बन चुकी है। और इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी हेल्प से चक्रा फ्रूट को वापस से ग्रो कर सकता हूँ। इसके तुरंत बाद सास्के अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से मोमोशिकी के ऊपर अटैक करता है। मोमोशिकी इसको अपनी कुनाई से डॉज करते हुए कहता है क्या तुम अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट को मारना चाहते हो सास्के उचिहा? सास्के कहता है बोरुटो मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट था, इसलिए अब मैं ये करने वाला हूँ और अमातराजू का यूज़ कर दे। लेकिन मोमोशिकी यहाँ पर अपने शैडो क्लोन बना बना के उसकी सारी अमातराजू से बच जाता है और एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है। कावाकी सास्के से कहता है कि अब हम क्या करेंगे? सास्के कहता है कि रुको, अभी हमारे पास एक चारा है। बोरुटो ने बस अपनी कॉन्शियसनेस उसके चाकरा के साथ खो दिया है, जैसे ही उसका चाकरा वापस से रिलोड होगा वो वापस से अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। कावाकी सास्के से कहता है कि तुम्हारे पास इस चीज़ का क्या प्रूफ है? सास्के बताता है कि वो अपनी कर्माशील की हेल्प से आसानी से
मेरी अमत राजू को उसके अंदर सील कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बरूटो का चाकरा जल्दी से रिलोड हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बोरुशिकी यानी कि मोमोशिकी अपने वैनिशिंग रेजिंगन से सास्के के ऊपर अटैक कर देता है और सास्के को लगभग हरा ही देता है। सास्के जमीन पर लेटा लेटा कावाकी से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से जल्दा जल्दी हो सके, लेकिन मोमोशिकी वहाँ पर आता है और कहता है ये जुत्सु काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था, मेरे पे भी ये एक बार पड़ा था और ये काम करा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे ऊपर भी ये यूज़ किया जाए। और मोमोशिकी कावाकी से कहता है कि अब तैयार हो जाओ खाए जाने के लिए, अब मैं तुम्हें टेंटेल्स को खिलाकर चाकरा फूड ग्रो करूँगा। और कावाकी को अपने साथ ले जाने के लिए पोर्टल खोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कावाकी के ऊपर आग लग जाती है और कावाकी जल रहा होता है। मोमोशिकी कहता है क्या ये क्लोन नहीं था, ये जला रहा है खुद को अपने आप को, और जल्दी से अपनी कर्मासील के अंदर सारी की सारी आग ले लेता है। मोमोशिकी कहता है मेरे पास और कुछ चारा भी नहीं था, पर फिर भी बोरुटो के जागने से पहले मुझे इस लड़के को जल्दी से अपने साथ ले जाना होगा, और वापस से अपना पोर्टल खोलने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी राइट आई भी ओपन हो जाती है और बोरुटो की आवाज़ हमें आती है। बोरुटो कहता है मोमोशिकी बस बहुत हुआ, लेकिन मोमोशिकी वापस से पोर्टल खोलने लगता है और वह पोर्टल अचानक वापस से बंद हो जाता है। और बोरुटो जोर से कहता है मोमोशिकी बस बंद हुआ, और वो अपने हाथ से वो सींग तोड़ देता है। और बोरुटो के सींग तोड़ते ही बोरुटो बेहोश हो जाता है और कावाकी को कहता है कि सॉरी जितनी भी मैंने ट्रबल मचाई। और सीन शिफ्ट होता है नारुतो की तरफ, नारुतो अपनी आंखें मीच लेता है। क्या यही नारुतो का अंत था? तभी सास्के नारुतो के पास जाता है और कहता है नारुतो नारुतो। तभी हम देखते हैं कि नारुतो उसके कुरामा के साथ वाली जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो कुरामा को देख सकता था। नारुतो वहाँ पर जाकर कहता है कि मैं कहाँ आ गया, और कुरामा कहता है तुम इधर देखो बेवकूफ़। तभी नारुतो कुरामा की तरफ देख के कहता है तो अच्छा अब हम वहाँ पर आ चुके हैं, तो यही अंत था, कोई बात नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात का दुख है कि मैं हिमावारी और हिनाते को गुड बाय नहीं बोल पाया। कावाकी बोरुटो की मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो सब अपने आप संभाल लेंगे। कुरामा नारुतो को बोलता है कि हाँ कि वाकई से जब मैंने बात करा था तो मुझे पता चल गया था कि अब वो ज़्यादा देर तक बैड गाय नहीं रहेगा। नारुतो चौंकते हुए कुरामा से कहता है क्या तुमने कावाकी से बात की थी, कब की थी, मुझे बताओ क्या बोला था तुमने। कुरामा कहता है ज़्यादा खास नहीं, बस कुछ बोरिंग बातें। नारुतो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कावाकी और बोरुटो भाई जैसे हैं? कुरामा कहता है कि जैसे तुम और सास्के। नारुतो कुरामा से कहता है कि तुम्हें मैं और सास्के भाई जैसे लगते हैं, वैसे सास्के के पास इटाची जैसा एक बहुत अच्छा भाई था। क्या तुम्हें पता है कुरामा, मैं भी चाहता था बचपन से कि मेरे पास एक भाई हो, पर तुम्हें पता है मेरे पास एक भाई से भी बढ़कर चीज़ थी जो थे तुम। हम दोनों हमेशा से बचपन से एक साथ रहे हैं। कुरामा नारुतो को देखता है और कहता है थैंक यू नारुतो, तुम ही हो जिसने मुझे बस हेट नहीं करा, बाकी जितने भी लोग थे वो सब हमें हेट करते थे, और वो सब हम टेल्ड बीस्ट को हमारे टेल्स के नाम से बुलाते थे, जैसे कि मुझे 9 टेल्स और 8 टेल को 8 टेल्स। उन लोगों ने हमें कभी भी हमारे नाम से नहीं बुलाया, बस तुम ही हो जिसने मुझे अपने नाम से बुलाया है हमेशा। नारुतो कुरामा से कहता है कि कुरामा तुम्हें पता है हम लोग हमेशा से साथ रहे हैं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब मैं अब मरने वाला हूँ तब भी तुम मेरे साथ ही मरने वाले हो, तो चलो इस रिलेशनशिप को मरने के बाद भी साथ निभाएंगे। कुरामा कुछ नहीं कहता। नारुतो कहता है कि तुम मेरे लिए भाई से भी पढ़कर थे। कुरामा नारुतो से कहता है कि नारुतो मैंने तुमसे अपनी पूरी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला है, पर इस बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने सुनने में थोड़ी सी गलती कर दी। जुनचुरी का टेल्ड बीस्ट जब चला जाता है तब जुनचुरी की मर जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में बात कुछ और होने वाली है। इस सिचुएशन में बस टेल्ड बीस्ट मरता है क्योंकि उसका चाकरा पूरी की पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है, और जो जुनचुरी होता है वो जिंदा बच जाएगा। मतलब यार हमारा नारुतो जिंदा रहेगा लेकिन हमारा कुरामा मरने वाला है, और हम देखते हैं कि हमारा कुरामा मर चुका है। तभी नारुतो कुरामा की तरफ हाथ लगाने वाला होता है और नारुतो का हाथ बोरुटो पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि नारुतो होश में आ चुका होता है और हमारा कुरामा हमें छोड़ के जा चुका है। बोरुटो कहता है कि डैड अब जिंदा है, डैड डैड जिंदा हो आप, और रोने लग जाता है। इसके बाद नारुतो बोरुटो को देखता है, कावाकी को देखता है और सास्के को देखता है और कहता है कि चलो अब वापस चलते हैं। बोरुटो कहता है ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु कैसे काम करता है मुझे नहीं आता। और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट एपिसोड जब नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा तब आएगा। तो ओके गाइज सायोनारा।